अस्सलाम वालेकुम। आज बारिश हुई है और देखें गुलदोपहरी माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही है, उसके कितने सारे फूल खिले हैं। आयशा आप क्या कर रहे हो? पानी डाल रहे हो पौधों को? ठीक है, ये देखें ये वाला पौधा भी मुझे बहुत पसंद है। देखिए इसके लीव कितने प्यारे हैं, कितना डार्क शेड है इनका। अब देखिए बारिश हुई है, अब हल्की हल्की जो धूप है वो निकल रही है। ये मेरा एक्सोरा है, ये अपनी फ्लावरिंग दे चुका है। ये इलायची है, ये मेरा लीमू का पौधा है। इस पर सिर्फ एक लीमू ये है और दो तीन लीमू और लगे हुए हैं, बाकी ये तकरीबन जल गया था बेचारा, दोबारा से स्टेबल हुआ है। ये माशाल्लाह से फार्म है, इसकी लीव्स देखिए कितने ग्रीनिश और प्यारे लग रहे हैं। यहाँ मैंने क्रेट्स में शलजम, मूली, पालक लगाई हुई है, लहसुन, प्याज लगाया हुआ है। ये मैंने आज लगाया है इस क्रेट में, मूली और शलजम के बीच। और ये मूली जो है माशाल्लाह से कितने सारे इसके पौधे हो गए हैं। इसमें से कुछ मैं निकाल दूँगी क्योंकि मैंने स्प्रिंकल किया था, कुछ मेरी बेटी ने जो है गिरा दिया, इसलिए बहुत सारे जो है एक जगह पर पौधे हो गए हैं। इसलिए थोड़ी स्टेबल हो जाएंगे तो इनमें से कुछ निकाल लूँगी मैं, क्योंकि अगर इकट्ठे रहेंगे तो फिर साइज़ बहुत ही छोटा होगा मूली का। यहाँ पे भी देखें, ये मैंने ढांपा हुआ है क्योंकि मेरी बेटी इसको नहीं छोड़ती, उसको मौका चाहिए मेरे पौधों की तबाही उतारने का। ये देखें सारे यहाँ पे मूली, और ये देखें ये प्याज हो गया है, ये एक ही हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें छोटा सा भी ऊपर से निकाल रहा है। और यहाँ पे भी देखिए मूली के काफ़ी सारे हैं। ये शलजम है, इधर भी ये देखें ये मूली के हैं। यहाँ पे मैंने लहसुन लगाया हुआ है, इसमें भी ज़्यादातर फूटे नहीं हैं क्योंकि अभी टाइम लगेगा इनको। माशाल्लाह से ये शलजम है, इनको मैंने ये नेट से भी ढक दिया इसलिए, क्योंकि हमारे घर पिजन्स हैं और वो भी आके फिर इनसे लंच कर लेते होते हैं अपना, इसलिए मुझे अपने पौधों को पिजन से, अपनी प्यारी बेटी से बचाना पड़ता है। ये यहाँ पे करेले की बेल है, नीचे जो है हरी मिर्चें हैं। माशाल्लाह से देखें कितनी सारे हरी मिर्चों के पौधे उग गए हैं, एक एक करेले की बेल है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक माई चैनल, शेयर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।